यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पूर्वांचल के अपराध जगत में खौफ का पर्याय माना जा रहा है। 1996 से मुख्तार का मऊ विधानसभा सीट पर कब्जा है। कभी निर्दलीय तो कभी एसपी तो कभी बीएसपी पार्टियां बदलने के बावजूद मुख्तार का सियासी रसूख कायम रहा। वहीं 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय हत्याकांड से पूर्वांचल दहल उठा था। इस वारदात में भी मुख्तार अंसारी का नाम आया। गाजीपुर के मुहम्मदा थाने में हिस्ट्री शीटर नंबर 16 वी के मुख्तार का पूरा कच्चा चिट्ठा है। आइए जानते हैं मुख्तार की क्राइम कुंडली। 1988 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ सबसे पहला 302 यानी हत्या का केस गाजीपुर कोतवाली में दर्ज हुआ। ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। इसके बाद वाराणसी के कैंट थाने में हत्या का दूसरा केस मुख्तार पर दर्ज हुआ। इस मर्डर केस को कोयले के ठेके के वर्चस्व की जंग के रूप में देखा गया था। यह पहला मौका था जब पूर्वांचल की माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह का आमना सामना हुआ। इस मर्डर केस की पृष्ठभूमि आपको बताते हैं। हत्या के मामले में जेल में बंद ब्रजेश सिंह की मुलाकात गाजीपुर की मुडियार गांव के त्रिभुवन सिंह से हुई। दोनों के बीच दोस्ती हो गई। त्रिभुवन सिंह का भाई हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह वाराणसी पुलिस लाइन में तैनात था। अक्टूबर 1988 में साधु सिंह ने राजेंद्र सिंह की हत्या कर दी थी। कैंट थाने में साधु सिंह के अलावा मुख्तार अंसारी और गाजीपुर निवासी भीम सिंह को भी 302 केस में नामजद आरोपी बनाया गया था। इसके बाद तो मुख्तार की हिस्ट्री शीट मुकदमों की पुलिंदा बन गई। 1991 में मुख्तार के खिलाफ गाजीपुर के मुहम्मदाबाद थाने और कोतवाली गाजीपुर में हत्या के दो केस दर्ज हुए। पहला कोर्ट विचाराधीन है जबकि दूसरे मामले में गवाहों और सबूतों के अभाव से वह बरी हो चुका है। 1991 में चंदौली जिले के मुगल सराय में मुख्तार के खिलाफ 302 का एक और मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद 1996 में गाजीपुर के मुहम्मदाबाद थाने में उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। ये मामला भी अंडर ट्रायल है। वाराणसी के भेलूपुर और चेतनगंज थाने में 1990 और 1991 में उसके खिलाफ 302 का केस दर्ज हुआ। भेलूपुर वाले मामले में फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है। मुख्तार के हिस्ट्री शीटर 16 वी को खंगालने तो उसके खिलाफ 32 साल के आपराधिक जीवन में 302 यानी हत्या के 18 केस दर्ज हो चुकी हैं। वही हत्या के प्रयास यानी 307 के 10 मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा टाडा गैंगस्टर एक्ट NSE यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और आर्म्स एक्ट के अलावा मकोका एक्ट के तहत भी उसके खिलाफ केस दर्ज हैं। मुख्तार ने अपराध की दुनिया में दबदबा बनाने के लिए D5 के नाम से अपना गैंग बनाया था। पूर्वांचल के अपराध जगत के जानकार बताते हैं कि कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद यह गैंग बनाया गया था। इसी गैंग के सदस्य राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे को पिछले साल अगस्त में लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया था। उस पर 1,00,000 रुपए का इनाम भी था। SD5 गैंग में मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी, अंगद राय, गोरा राय और राकेश पांडे उर्फ हनुमान शामिल थे। 2005 में मुहम्मदाबाद से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद पूर्वांचल में अपराध जगत में मुख्तार का एक शत राज हो गया था। कृष्णानंद राय भी ब्रजेश गैंग से करीबी को इसकी वजह माना जाता है। वहीं कृष्णानंद ने विधानसभा चुनाव में मुख्तार के सबसे बड़े भाई सिबत उल्ला अंसारी को शिकस्त दी थी। इससे मुख्तार के कृष्णानंद से रंजिश बढ़ गई थी। इसी तानातनी के बीच मुख्तार पर लखनऊ से लौटते वक्त उसकी चिट्ठी में पास हमला हुआ। फायरिंग के दौरान मुख्तार गैंग के कई साथी मारे गए लेकिन मुख्तार बाल बाल बच गया। पूर्वांचल में अपराध जगत के सूत्रों की माने तो इस हमले में सीधे ब्रजेश सिंह ने AK-47 से गोलियां चलाई थी। अंधाधुंध फायरिंग में ब्रजेश को भी गोली लगी। हालांकि इस दौरान वह फरार होने में कामयाब रहा। इस वारदात के बाद मुख्तार ने किसी तरह कृष्णानंद राय को रास्ते से हटाने की ठान ली थी। 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग हुई। बताया जाता है कि इस दौरान AK-47 से लैस हमलावरों ने 400 राउंड गोलियां चलाई थी। इससे कृष्णानंद राय, उनके गनर और ड्राइवर समेत 7 की मौत हो गई थी। D5 गैंग के हनुमान ने हत्या के बाद काटी भी कृष्णानंद की चोटी। कहा जाता है कि मुख्तार के निर्देश पर इस हमले को दुर्दांत प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी, राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे और संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा ने अंजाम दिया था। पोस्टमार्टम में राय के शव को 21 गोलियां निकाली गई थी। पूर्वांचल के जानकार बताते हैं कि उस दौर में कृष्णानंद राय की चोटी का काफी क्रेज हुआ था।
हनुमान पांडे ने भी हत्या के बाद कृष्णानंद की चोटी काटी थी। इस बात का जिक्र एक कथित ऑडियो में भी है। इसमें मुख्तार और अभय सिंह की बातचीत है, जिसमें वह भोजपुरी में चोटी काट लीन हो का जिक्र कर रहा है।